नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों बहुत सारे लोग ने मुझे बोला था कि आरसीबी की स्क्वाड बताओ, आरसीबी किन खिलाड़ियों को खरीदेगी ऑक्शन के अंदर वो बताओ। तो दोस्तों आरसीबी का लगभग स्क्वाड बताना बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि दोस्तों हम सबको पता है कि फ्रेंचाइज के मन में क्या चल रहा है, ये बात तो हमको नहीं पता है। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा, एग्जैक्ट एक आइडिया दूंगा कि आरसीबी जो है वो किन किन खिलाड़ियों को खरीद सकती है, क्या रहेगी आरसीबी की रणनीति आईपीएल के ऑक्शन के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। दोस्तों सबसे पहली बात, जिस तरीके की टीम आरसीबी है उनको तो एक ना एक बार आईपीएल का चैंपियन बनना ही चाहिए था, क्योंकि दोस्तों आरसीबी की टीम में क्रिस गेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन फिर भी ये टीम एक भी बार आईपीएल की चैंपियन नहीं बनी है। दोस्तों आरसीबी के पास अभी आईपीएल के ऑक्शन में लगभग 49 करोड़ रुपीस बैलेंस है, और इस 49 करोड़ रुपए में आरसीबी को एक वेल बैलेंस्ड टीम बनानी है, जिससे कि जो उनका स्क्वाड है वो लगभग मजबूत हो जाए दोनों ही बल्लेबाजी और गेंदबाजी के मामले में। दोस्तों अभी आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जो आरसीबी है क्या उनको आईपीएल 2018 में भी अपने बल्लेबाजों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, जैसे कि उन्होंने अपने रिटेंशन में किया है विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और सरफराज खान, यानी कि तीनों बल्लेबाजों को ही रिटेन किया है। इससे एक और बात साफ होती है कि जो आरसीबी है वो अपने बल्लेबाजों पर ही निर्भर करती है। लेकिन दोस्तों ऐसा बोला जा रहा है कि जो आरसीबी है युजवेंद्र चहल के ऊपर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करेगी ताकि उनके टीम में एक अच्छा सा गेंदबाज आ जाए। दोस्तों लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए तो चहल के ऊपर खर्च होंगे, वो भी 49 करोड़ से माइनस कर लीजिए तो लगभग अभी आरसीबी के पास 40 करोड़ रुपए बचते हैं चहल के ऊपर आरटीएम कार्ड इस्तेमाल करने के बाद। अब बात करते हैं आरसीबी की रणनीति। सबसे पहली रणनीति जो कि आरसीबी की रहने वाली है वो है बहुत ही अच्छे गेंदबाजों को अपने टीम में लेना। जी हाँ दोस्तों, आरसीबी के पास बल्लेबाजों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स ये दोनों खिलाड़ी ही अकेले ही काफ़ी है बल्लेबाजी में, लेकिन आरसीबी को अपने गेंदबाजों को मजबूत करना होगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर भी आरसीबी ने जो है पिछले साल एक बहुत ही बड़ी गलती की थी, और वो गलती ये थी कि जो आरसीबी ने बहुत अच्छे गेंदबाज को तो खरीदा, उसका नाम था टाइमर मिल्स, लेकिन उसके ऊपर लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। तो दोस्तों ये जो है समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि 12 करोड़ रुपए में टाइमर मिल्स ने आरसीबी के तरफ से कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था। तो दोस्तों आरसीबी को अपने पिछले साल से कुछ सबक लेना पड़ेगा, और ये साल जो है आरसीबी को अच्छे गेंदबाज तो लेने पड़ेंगे, वो भी कम पैसों में। दोस्तों गेंदबाजों में जो है वो मिचेल स्टार्क और जयदेव उनादकट, ये दो ऐसे गेंदबाज हैं, दोनों ही लेफ्टी गेंदबाज हैं। ये दोनों गेंदबाजों के पीछे आरसीबी की टीम जो है वो ज़रूर से जाना चाहेगी, क्योंकि मिचेल स्टार्क और जयदेव उनादकट ये दोनों बहुत ही बढ़िया T20 के गेंदबाज है। दोस्तों आरसीबी को जो है ये साल बहुत ही समझदारी से ऑक्शन के अंदर गेम खेलना होगा, वो भी जितने भी अंडर 19 के यंग गेंदबाज है, जैसे कि कमलेश नगरकोटी और शिवम मावी, ये दो ऐसे यंग गेंदबाज है अंडर 19 से जिनका जो बेस प्राइस है वो लगभग 20 लाख रुपया है, और 20 लाख रुपये से लेके जो है आरसीबी की टीम इन्हें बहुत ही कम पैसे में खरीद सकती है, ताकि वो इनके लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी करेंगे और जो इनका पैसा है वो भी बच जाएगा। दोस्तों आरसीबी को जो है वो बेन स्टोक्स और एंड्रू टाई, ये दो ऐसे खिलाड़ी होंगे जिसकी जरूरत आरसीबी को पड़ने वाली है। बेन स्टोक्स जो है आरसीबी की टीम में एक बेहतरीन ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे, और जो एंड्रू टाई है वो बहुत अच्छे गेंदबाज है, इनको जो है वो कम पैसों में खरीद सकती है, ताकि जो एंड्रू टाई है वो इनका फायदा करा सके। दोस्तों उसके बाद जो है आरसीबी को बहुत ही सॉलिड ओपनर की जरूरत पड़ेगी, जहां पे इवेन लुइस, कॉलिन मुंड्रो, डार्सी शॉट और क्रिस गेल, ये चार ऐसे ओपनर हैं जिनके ऊपर आरसीबी ज़रूर से नज़रें बिठा के रखेगी, इवेन लुइस, कॉलिन मुंड्रो, डार्सी शॉट और क्रिस गेल। और दोस्तों एट द एंड बात करते हैं इसके तात्पर्य की, यानी कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो दोस्तों रिजल्ट तो यही है कि जो आरसीबी हर साल गलती करती है कि इतने सारे पैसे खरीद के अच्छे प्लेयर तो खरीदती है, लेकिन जो उनका परफॉर्मेंस है वो उस पैसे के बराबर नहीं होता है। तो दोस्तों इस साल के ऑक्शन में आरसीबी को अपनी पिछली गलतियों से सबक लेना पड़ेगा, और इस बार के ऑक्शन में जितने भी नए लड़के हैं उनको कम पैसों में खरीदे, और जो अच्छे खिलाड़ी है उसके ऊपर पैसा खर्चा करे।
तो दोस्तों ये थी आरसीबी की रणनीति मेरे हिसाब से आईपीएल के ऑक्शन के लिए। आप मुझे बताओ नीचे कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक करो, ये वीडियो को शेयर करो। अगर आपको ऐसे ही रोजाना लेटेस्ट क्रिकेट और आईपीएल खबरें सुनने में रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाजू में घंटी दिया है उसको जरूर याद से दबाओ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।